अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा गाइस, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें कहा हुआ है सिंप्लीफाई बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। उन्होंने कहा है कि हम आपको क्वेश्चंस देंगे, हम इसके पार्ट्स देंगे, हम आपने उसको सिंप्लीफाई करना है ईच स्टेप को, मीन्स उसको जस्टिफाई करना है ईच स्टेप से। अब उन्होंने हमें फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया 4 + 16x / 4, ठीक है। उन्होंने हमें एक फ्रैक्शन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ, आपको पता ना फ्रैक्शन क्या होती है, फ्रैक्शन किस क्वेश्चन को कहा जाता है जिसमें ऊपर न्यूमिरेटर और नीचे डिनोमिनेटर हो, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर हो उसको हम क्या कहते हैं, वो एक फ्रैक्शन होती है, ठीक है। सबसे पहला हमने इनको प्रॉपर्टीज़ की मदद से सॉल्व करना है। प्रॉपर्टीज़ की मदद से सॉल्व करने के लिए हमें हर स्टेप को जस्टिफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन के साथ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम पे क्या करते हैं, हमने पहले स्टेप में क्या करना है, हमने न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देना है। चले हम न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देते हैं। हमने न्यूमिनेटर को सेपरेट लिख लिया और डिनोमिनेटर को 1/4 लिख लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 और 16 एक टेबल में आ रहा है, मींस के दोनों एक टेबल में आ रहे हैं तो कॉमन हो रहा है। तो ये 4 के टेबल में 16 आ रहा है ना, तो हम इधर डायरेक्ट तो इनमें से कॉमन कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ हमने अपनी प्रॉपर्टीज़ की मदद से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, 1/4 एज इट इज़ लिखेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ये वाला लगा के 16 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 4.4x, 4 को 4x से मल्टीप्लाई करते 16x ही आ जाता है, 4 को 1 से करते 4, मींस एज इट इज़ हमारे पास यही वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन हमें किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करके अपनी प्रॉपर्टी को शो करवाना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे कि हमने इधर मल्टीप्लाई किया दो दो डिजिट को आपस में, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी हुई, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने 1/4 को एज इट इज़ लिख देना है, और इनमें से क्या चीज़ कॉमन हो रही है, 4 कॉमन हो रहा है, 4 हमने एज अ कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 1 + 4x बचा। आप देख रहे होंगे कि जब हमारे पास एक डिजिट वैल्यू बाहर और बाकी इन टू के अंदर हो, बाहर वाली वैल्यू अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो, तो इस प्रॉपर्टी को कौन सा नाम देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि बाहर वाली वैल्यू अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, इसलिए हम इसको क्या नाम दे दें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अच्छा गाइस, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, हमने 4 को 4 से कैंसिल कर दिया, तो जैसे कि आप 4 को 4 से कैंसिल कर देंगे तो बाकी हमारे पास क्या बचा, 1 × 1 + 4x, ये हमारे पास बच गया। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, यहाँ तो कटिंग हो गई है ना, तो यहाँ हमारे पास 1 बचा। आपको पता है ना 4 का इनवर्स 1/4 होता है, तो इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। जब हमने इनको कट कर दिया तो हमारे पास 1 मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आ गया। तो आप जानते हैं कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, जिसकी रिजल्ट में हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए। तो क्या हमने कट कर दिया 4 से 1, हमारे पास आइडेंटिटी नहीं आ गई, इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, कौन सी है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो अब हमारा नीचे क्या बचा, 1 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एज इट इज़ 1 + 4x आ गया। तो हमारा ये 1 पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें दिया हुआ 1/4 + 1/5 / 1/4 - 1/5, यहाँ वैल्यू सारी सेम है, बस क्या डिफरेंट है, उन्होंने साइन हमें डिफरेंट दिए हुए हैं, ऊपर प्लस का नीचे माइनस का है। अब हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टीज़ की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चले हम स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमने सबको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो चले 1/4 को भी 1 से मल्टीप्लाई किया, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो जब हम किसी डिजिट को मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो उस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव होता है ना, लेकिन जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो होता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी 1 को शो करती है, 1 आइडेंटिटी को शो करता है, इसलिए हमने इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दे दिया, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, 1 को किसी ऐसे डिजिट के साथ रिप्लेस करना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ जाए। तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ 1 है लेकिन नीचे क्या 4 है, यहाँ बस 5 है, यहाँ बस 4 है, यहाँ बस 5 है, लेकिन हमें 4 और 5 एक डिजिट के नीचे 4 और 5 दोनों चाहिए ताकि हम इसका एलसीएम वो ताकि हम इसको अच्छे से डिनोमिनेटर जॉइन का सेम ला सकें। तो अब हम क्या करेंगे, 1 को किससे रिप्लेस कर देंगे, हाँ 4 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। इस तरह प्लस लगा कर 1/5 एज इट इज़ लिखेंगे, 1 की जगह 4 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ 5 है और 4 नहीं है, तो हम 4 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके नीचे 5 4 ले आएंगे। उसी तरह हम नीचे चलते हैं अपने
नीचे अंडर रूट ओवर के नीचे चलते हैं, 1/4 एज इट इज ये वाला आएगा, और 1 को हम किसके किस में रिप्लेस करेंगे, 5 में करेंगे, क्यों करेंगे, यहाँ 4 है 5 नहीं है, इसलिए हम 5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे प्लस माइनस लगा के, 1/5 एज इट इज आएगा, और 1 को हम किस में रिप्लेस करेंगे, 4 में करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ 5 है 4 नहीं है, 4 को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मल्टीप्लाई तो ये दो आपस में हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव हो गई, लेकिन साथ एक दूसरे का इन्वर्स भी है, 5 का इन्वर्स 1/5, 4 का इन्वर्स 1/4, यहाँ सब एक दूसरे के इन्वर्स हैं जो अभी हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो इस प्रॉपर्टी का हम क्या नाम देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का। जैसे कब आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमने 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना और नीचे 5 एज इट इज लिख देना, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना 4 एज इट इज लिख देना, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना नीचे 5 एज इट इज लिखना है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना 4 एज इट इज लिखना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 1/4 एज इट इज लिखेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आया, 5 एज इट इज आ गया, प्लस लगा के 1/5 एज इट इज आएगा, जो हमने पिछले पेज पे किया 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, प्लस ओवर की फॉर्म में 4 एज इट इज आएगा, डिवाइडेड का साइन लगा के 1/4 एज इट इज, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, नीचे 5 एज इट इज माइनस 1/4 5 एज इट इज आया, और 4 को हमने 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया था तो 4 आ गया, डिवाइड में 4 एज इट इज आएगा। चलो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो हम करते हैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आया, 4 को 5 से किया 20 आया, प्लस लगा कर 1 को 4 से किया 4 आया, 5 को 4 से किया 20 आ गया, डिवाइड का साइन लगा कर 1 को 5 से किया 5 आया, 4 को 5 से किया 20 आया, माइनस लगा कर 1 को 4 से किया 4 आया, 5 को 4 से किया 20 आया। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या सेम नहीं आ गए, 20 20 20 20 सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो क्या होता है, हमने इन न्यूमिनेटर जब हमारे पास सेम आ जाए तो हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम सेपरेट कर देते हैं, तो हम सेपरेट करते हैं, 5 को हमने सेपरेट कर दिया, अगले स्टेप में प्लस डॉट लगा कर 1/20 को भी सेपरेट कर लिया, प्लस लगा कर 4 को सेपरेट कर लिया, 1/20 को सेपरेट कर लिया, ओवर की फॉर्म में 5 को भी सेपरेट कर लिया और 1/20 को भी सेपरेट कर लिया, माइनस लगा कर 4 को सेपरेट कर लिया और 1/20 को भी सेपरेट कर लिया। अब ये सेपरेट कर लिया तो दरमियान में कौन सा साइन यूज हुआ, मल्टीप्लिकेशन का हुआ ना, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है कि आप इसमें एक और प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको सॉल्व करें, तो हम देख रहे हैं कि इनमें से कॉमन क्या हो रहा है, 1/20 1/20 1/20 1/20। अब हम इनमें से कॉमन कर लेंगे, ऊपर वालों में से 1/20 कॉमन किया तो क्या आ गया 5+4, नीचे वालों में से 1/20 कॉमन किया तो क्या आ गया 5-4। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मैंने आपको कहा है जब हमारे पास अंडर रूट ये ब्रैकेट के बाहर एक वैल्यू होती है, बाहर वाली वैल्यू अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, इसका क्या मतलब, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना, 1/20 को 1/20 से कैंसिल कर देना है, ठीक है, कट कर देना है, जब हम कट कर देंगे हमारे पास क्या बचेगा, 5+4 और 5-4। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, हमने जब कैंसिल किया तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी का नाम है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब 5+4 क्या होता है 9, 5-4 क्या होता है 1, तो 9 को 1 से डिवाइड करें तो क्या 9 नहीं आता। अच्छा गाइस, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर सिक्स के पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 3 में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ, ए ओवर बी प्लस सी ओवर डी डिवाइडेड बाय ए ओवर बी माइनस सी ओवर डी। ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि आप देख रहे हैं आपने क्या सॉल्व किया था, हमारे पास जो डिनोमिनेटर थे वो सेम थे और बस वैल्यूज चेंज थी। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी है, उसमें भी डिनोमिनेटर सेम है और वो चेंज है, साइन चेंज है, प्लस का ऊपर नीचे माइनस का। अब हम ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इन चारों से, क्या करेंगे 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इन चारों से। तो हमने 1 को मल्टीप्लाई किया ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस लगा के सी ओवर डी मल्टीप्लाई बाय 1, डिवाइड का साइन लगा के ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस सी ओवर डी मल्टीप्लाई बाय 1। जैसे कि हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इस प्रॉपर्टी को नाम क्या देंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हम इसको क्यों नहीं कह रहे, आइडेंटिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 1 आइडेंटिटी का शो करता है ना। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने 1 को किसी ऐसे डिजिट के साथ रिप्लेस करना है कि हमारे पास ये जो न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर है
यहाँ बी डी है ना, तो दोनों एक जगह दोनों आए, दूसरी जगह भी दोनों आए, यहाँ बस बी है हमें डी चाहिए, यहाँ बस डी है हमें बी भी चाहिए साथ। तो हम क्या करेंगे, वन को किसी ऐसे डिजिट के साथ रिप्लेस करेंगे कि बी के साथ डी आ जाए और डी के साथ बी आ जाए। तो क्या हम वन को डी यहाँ पहले स्टेप में ए ओवर बी के साथ हमें डी चाहिए ना, तो हम वन को किससे रिप्लेस करेंगे, डी के साथ करेंगे। डी डी को हम मल्टीप्लाई भी वन से करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, प्लस लगा के सी ओवर डी एज इट इज आएगा। वन को हम किसी ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि जैसे हमारे पास यहाँ डी है, हमारे पास बी भी आ जाए, तो बी से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो हमने कर लिया, इस तरह हम नीचे आते हैं, ए ओवर बी है हमने, हमारे पास यहाँ बी है, हमें डी चाहिए, तो हम वन को डी के साथ रिप्लेस कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब माइनस सी ओवर डी आ गया, हमारे पास वन नहीं है, हमारे पास डी है, तो हम क्या करेंगे, हमारा बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वन को बी के साथ रिप्लेस कर देंगे, बी के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए और बी एज इट इज लिखना है नेक्स्ट स्टेप में, और डी को वन से मल्टीप्लाई कर देना, इस तरह बी को वन से कर देना, डी को वन से कर देना और बी को वन से कर देना, ऊपर नीचे हमने सबको मल्टीप्लाई कर देना। चले हम करते हैं, ए और बी एज इट इज आएगा, डी को वन से किया तो डी आ गया, आगे डी नीचे वाला एज इट इज आया, प्लस लगा के सी और डी एज इट इज आएगा, बी को वन से किया बी आ गया, नीचे वाला बी एज इट इज आ गया। अब बी ओ ए और बी एज इट इज आएगा, डॉट लगा के डी को वन से किया डी आएगा, नीचे वाला डी एज इट इज आएगा, माइनस सी ओवर डी एज इट इज आ गया, बी को वन से किया बी आ गया और नीचे वाला बी एज इट इज आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, इस तरह हमने इधर भी करना है, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना। हम करते हैं, ए को डी से मल्टीप्लाई किया ए डी आ गया, बी को डी से किया बी डी आ गया, प्लस लगा के सी को डी बी से किया सी बी आ गया, डी को बी से किया डी बी आ गया, इस तरह ए को डी से किया ए डी आ गया, बी को डी से किया बी डी आ गया, माइनस लगा के सी को बी से किया सी बी आ गया, डी को बी से किया डी बी आ गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना, हमने ये देखना है कि हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, न्यूमिनेटर तो हम ऊपर वालों को कहते हैं, हमने नीचे वाले देखना है कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, यहाँ बी डी है लेकिन यहाँ डी बी है, इनकी तरतीब चेंज है, यहाँ भी बी डी है यहाँ डी बी है, इनकी है सेम लेकिन इनका ऑर्डर चेंज है, इनकी तरतीब चेंज है। तो हम सबसे पहले इनकी तरतीब में लाएंगे, तरतीब में लाने के लिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, आप चाहे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें या 4 को 3 से मल्टीप्लाई, आंसर तो सेम आता है। इस तरह हम अब क्या करेंगे, हमने इनको तरतीब देने के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी, हमने ये एज इट इज़ लिख लिया, इनको तरतीब दे दी, बी को पहले लिख लिया डी को बाद में लिख लिया, इसलिए नीचे भी हम बी को पहले लिख लेंगे डी को बाद में लिख लेंगे, बाकी सारी वैल्यू नीचे एज इट इज़ उतार लेंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का बताया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है। जैसे कि यहाँ हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की थी, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमने ये देखना है कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ चुका है, अब हमने इनमें से कॉमन कर लेना है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इनमें से कॉमन कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने वन ओवर बी डी को ऊपर वालों में से कॉमन कर लिया, बाकी क्या बचा ए डी प्लस बी सी, अब हम नीचे वालों में से भी ए वन ओवर बी डी हमने कॉमन कर लिया और ए डी माइनस बी सी हमारे पास बचा। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास एक बाहर वैल्यू अंदर ब्रैकेट में हो, तो बाहर वाली वैल्यू अंदर वाली के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उसको किस प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, किस नाम प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने वन ओवर बी डी को वन ओवर बी डी के साथ कैंसिल कर देना है, कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, ए डी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई ए डी माइनस बी सी, हमने इनको जैसे कि कैंसिल किया, तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कौन सी होगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर ए डॉट 1 ओवर बी, तो हम इसको, ये क्वेश्चन हमारा आप दूसरे क्वेश्चन से बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है इसको, लेकिन बहुत ईजी है, आप करेंगे बहुत ईजी से सॉल्व हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं, हमने सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था, हमने 1 से मल्टीप्लाई करना होता था, इस तरह हम यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर ए को और 1 ओवर बी को, हम इनको इसलिए नहीं कर सकते, यहाँ तो जस्ट 1 है, ठीक है, और यहाँ 1 ओवर ए मल्टीप्लाई हो रहा है 1 ओवर बी से, ऊपर हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से क्योंकि यहाँ माइनस की फॉर्म में ऊपर वाली इक्वेशन है। तो चले हम 1 ओवर ए को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 1 ओवर बी को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला सारा एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ हमने जैसे कि मल्टीप्लाई किया इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देंगे, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्यों कहा, क्योंकि हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने 1 को रिप्लेस एक ऐसे डिजिट के साथ करना है कि हमारे पास नीचे ए है तो बी भी इसके साथ आ जाए, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में हमें सेम चाहिए ना, लेकिन यहाँ ए है बी नहीं है, यहाँ बी या ए नहीं है, यहाँ ए है
ए बी दोनों है मल्टीप्लाई हो गए, इस यहाँ हमारे पास वन है, यहाँ नीचे ए बी दोनों आने चाहिए। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ रिप्लेस कर देना इस वन को किसी ऐसे डिजिट के साथ कि ए के साथ बी आ जाए, तो हम क्या बी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये नीचे बी नहीं आ जाएगा, ये वाला बी, इस तरह माइनस वन ओवर बी एस डिजिट लिखेंगे, वन को किसी ऐसे डिजिट के साथ रिप्लेस करेंगे कि बी के साथ हमारा ए आ जाए, तो हम ए के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। डिवाइड का साइन लगा के ओवर की फॉर्म में वन को हम ए बी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें नीचे ए बी चाहिए। इस तरह माइनस लगा के वन को वन से मल्टीप्लाई किया और ए को बी से किया, ए बी आ गया। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स हुई है ना, क्यों हुई है, बी का इन्वर्स वन ओवर बी, ए का इन्वर्स वन ओवर ए, बी का इन्वर्स वन ओवर ए बी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स की। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, वन ओवर ए एज इट इज आएगा, बी वन टाइम बी डिवाइडेड बाई बी माइनस वन ओवर बी, ए वन टाइम ए डिवाइडेड बाई ए, अब ए बी को वन से मल्टीप्लाई करें ए बी आएगा डिवाइडेड बाई ए बी एज इट इज माइनस वन ओवर ए बी एज इट इज आएगा, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इस तरह इससे भी ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने हमने वन को बी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बी आ गया, ए को बी से किया हमारे पास ए बी आ गया, माइनस लगा के ए वन को ए से किया ए आ गया, बी को ए से किया ए बी ए आ गया, डिवाइड की फॉर्म में हमारे पास ए बी ओवर ए बी माइनस वन ओवर ए बी एज इट इज आ गया, ये हमारे पास एक बन गया स्टेप। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने ये देखना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ ए बी है लेकिन यहाँ बी ए है, यहाँ तरतीब चेंज है, तो सबसे पहले तो हम इनकी तरतीब लाएंगे, इनको तरतीब में लिखेंगे। तो चले हम ये काम करते हैं, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इसको तरतीब में लेके आते हैं। तरतीब में लेने के लिए हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि चाहे हम फोर को मल्टीप्लाई करें थ्री से या थ्री को मल्टीप्लाई करें फोर से, आंसर हमारा सेम आता है। ले इसीलिए हम बी ओवर ए बी को एज इट इज लिखे माइनस ए ओवर बी ए को हम तरतीब दे देंगे ए बी से, इस तरह हम ए बी ओवर ए बी वन ओवर ए बी माइनस वन ओवर ए बी एज इट इज लिखेंगे। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने इनमें से कॉमन कर लेना है, यहाँ क्या कॉमन हो रहा है वन ओवर ए बी कॉमन हो रहा है, हम वन ओवर ए बी कॉमन कर लिया, बाकी क्या बचा बी माइनस ए, नीचे से भी हमने वन ओवर ए बी कॉमन कर लिया, क्या बचा ए बी माइनस वन। यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, क्योंकि ये बाहर वाला अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ भी बाहर वाला अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हमने वन ओवर ए बी को वन ओवर ए बी के साथ कैंसिल कर देना, कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचता है बी माइनस ए, ए बी माइनस वन। तो जैसे कि यहाँ हमने कैंसिल किया तो इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दे देंगे, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, आज का लेक्चर हमारा इधर ही ख़त्म होता है।